Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And nowadays I am discussing human rights education, in which I have already discussed the concept of human rights education and the methods and techniques of human rights education, in which this time I am going to discuss rights of child. I have already discussed rights of child from international perspective, in which I have discussed United Nations Convention on the rights of child. This time I am going to discuss what are the rights of child in Indian perspective. So this time I am going to take only the constitutional provisions and legislation in Indian scenario regarding to the rights of child. Okay. So it will be a very informative lecture for all of you, and it must be useful for you all. The lecture will be in bilingual mode as usual. Let's start. Constitution. देखिए बात चल रही है मानवाधिकारों की शिक्षा, मानवाधिकारों की शिक्षा की methods और techniques क्या क्या हैं, फिर उसमें हमको rights of child और rights of women पढ़ना है in detail. जिसमें से कि राइट्स ऑफ चाइल्ड का इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट जो है वो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि 1959 में एक आया, जेनेवा वाले को उसने 5 को प्रिंसिपल को 10 किया, फिर 1989 में वही 10 प्रिंसिपल 54 हो गए. ये बात आपसे हो चुकी है. अब ये कि चूंकि भारत ने भी उस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, इसके अलावा भी भारत ने हमेशा से ही हमारे देश ने अधिकारों की बात की है, बच्चों के अधिकारों की बात की है, तो उसमें इतना ये डिटेल आउट था कि इसको एक वीडियो में कवर कर पाना मतलब बहुत बहुत लेंदी हो जाता, तो मैंने 3 वीडियो में इसको बांटा है. इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन, यानी क्या है राइट्स ऑफ चाइल्ड के लिए. फिर एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी कि नेशनल पॉलिसीज कौन कौन सी बनी है बच्चों के लिए, फिर नेशनल प्रोग्राम्स क्या क्या हैं. तो 3 में आएगा ये. तो इसमें हम सिर्फ ये बात करेंगे कि हमारे संविधान में क्या कहा गया है बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, और इसके लिए क्या क्या अधिनियम या विधान या कानून हमारे देश में बनाए गए हैं. तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल 14 से. देखिए चूंकि आर्टिकल है इसलिए आपको इसको एज इट इज याद करना है और संख्या में इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि ये लिखा हुआ है ना, लिखित है, अधिलिखित है संविधान में, तो कहीं भी कुछ भी इधर उधर नहीं हो सकता. और बहुत सवाल पूछे जाते हैं, कोई सा भी आप एग्जामिनेशन उठा के देख लीजिए, ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 17, 19, 21 मोस्ट पॉपुलर आर्टिकल्स हैं, बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको जरूर जरूर पता होना चाहिए. तो सबसे पहला जो आर्टिकल 14 है, फंडामेंटल राइट्स, देखिए कुछ हमारे अधिकार हैं, मूल अधिकार जो संविधान में लिखे गए हैं, और कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति निर्धारक तत्व या नीति निर्देशक तत्व राज्य के कहलाते हैं, जो डीपीएसपी का मतलब होता है कि डायरेक्शन हम दे रहे हैं स्टेट को कि आप ऐसे अपनी पॉलिसी बना लीजिए. तो दोनों में ही बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात की गई है. तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 14 से. ये आर्टिकल बात करता है किसकी, द राइट टू इक्वालिटी, यानी समता, समानता का अधिकार, इंक्लूडिंग इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि कानून की नजर में सब समान है, सीधी बात. फिर आर्टिकल 15 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि किसी पर भी, किसी से भी, किसी भी तरीके से विभेद नहीं किया जाएगा. किस किस, कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं विभेद के, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, कहाँ आपका जन्म स्थान है उसके आधार पर, कहीं से किसी भी बात के आधार पर आपसे मतलब इसमें बच्चे भी आएंगे कि विभेद नहीं किया जाएगा. Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children. और इस अधिनियम आर्टिकल में ये आर्टिकल रोकता नहीं है राज्य को कि वो वहाँ की स्त्रियों के लिए और बच्चों के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बना सके, यानी कि बना सकता है. फिर आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता के विरोध में है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी नहीं रखी जाएगी, यानी कि कोई ऐसा नहीं जो छुआछूत का विरोध करता है ये. फिर आर्टिकल 19(1)(a) The right to freedom, including the right to freedom of speech and expression. हम जो कहीं भी भाषण कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, ये सब इसी के अंडर आता है कि हमको बोलने का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार है, अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है. लेकिन आपको ये भी बात ध्यान देनी होगी कि हर अधिकार का हमारे यहाँ मिसयूज भी होता है, कि हम कुछ भी बोलेंगे, हमको राइट टू फ्रीडम है तो ऐसा नहीं करना है. फिर आर्टिकल 21 क्या है, द राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब जीवन की सुरक्षा का अधिकार, हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका अधिकार हमको कानून ने, हमको संविधान ने दिया है, हमारे मूलभूत अधिकार है ये. यानी कि मूलभूत अधिकार का क्या मतलब होता है कि इसके खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है अगर आपसे कोई ये अधिकार छीनता है तो.
फिर आप राइट टू एजुकेशन पढ़ चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि 86th अमेंडमेंट जो 2002 में आया, उसके बाद इसमें आर्टिकल 21A इंसर्ट कर दिया गया है। क्या है वो आर्टिकल 21A? आया कहाँ से? वही राइट टू लाइफ से ही आया है, कि मतलब जीवन जीने का अधिकार है ना, तो जीवन कब हम अच्छा जी पाएंगे? तभी जब हम शिक्षित होंगे। तो राइट टू एजुकेशन फ्लोज फ्रॉम द राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार से ही शिक्षा का अधिकार निकल कर आ रहा है। और ये 86वां संशोधन संविधान का बहुत महत्वपूर्ण संशोधन, जिसके बारे में बार बार आपसे बात की गई है, जिसके तहत 21A को इंसर्ट किया गया है 21 में। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। देखिए आर्टिकल्स जो संविधान में लिख दिए गए हैं उतने ही हैं, उसमें बस हम इंसर्शन करते हैं कि हम ए लगा दें, बी सी डी ई एफ लगा के जोड़ते जाएं, मतलब हम उसमें और कुछ नहीं करते हैं। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच अ मैनर एज द स्टेट मे बाई लॉ डिटरमाइन। यानी कि आपका इस ये बात आपसे बार बार हो चुकी है कि राज्य जो है वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सुनिश्चित करेगा अपने सभी बच्चों के लिए जो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के हैं। और आपका ये आर्टिकल, देखिए ये एंड था, यहाँ पे ऐड हो गया है ना, आर्टिकल 21A एंड द आरटीई एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2010। यानी 1 अप्रैल 2010 से आरटीई एक्ट भी आपका आया है प्रभाव में और 21A भी आया है। तो 21 से 21A हो गया। फिर आर्टिकल 23-24 क्या कह रहा है? राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कोई आपका शोषण नहीं कर सकता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको दिया है संविधान ने। प्रोहिबिटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ लेबर, चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, मानवों की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है, बाल श्रम नहीं कराया जा सकता है, हर तरीके के श्रम का विरोध है। फिर आर्टिकल 25 से 28 तक क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। यानी कि हमको चेतना की स्वतंत्रता का अधिकार है, हम कौन से प्रोफेशन में जाए इसका अधिकार है, हम कौन सा धर्म मानते हैं इसका अधिकार है। देखिए कहीं ना कहीं इनकी बियरिंग चाइल्ड पे भी है, ह्यूमन बींग के लिए मेनली है ना, तो आप इसको मान सकते हैं। कुछ तो डायरेक्टली बच्चे से रिलेटेड है, कुछ इनडायरेक्टली रिलेटेड है। और आर्टिकल 29 और 30 क्या है? राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकार सुरक्षित किए गए हैं कि वो अपनी संस्कृति, भाषा, स्क्रिप्ट सबको सुरक्षित रख सकें, और एंड टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। और अपनी अपनी मतलब अपनी चुन के अपनी अपनी मतलब चुनाव से जो शैक्षिक संस्थान बना सकें उसको स्टैब्लिश कर सकें, उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकें। इसीलिए ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, पता होगा आपको। फिर आर्टिकल 32 क्या है? द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल फंडामेंटल। तो इतना तो हमारे फंडामेंटल राइट में कहा गया है 14 से लेकर 35 तक। फिर 36 से 51 क्या है? डीपीएसपी आ गया आपका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आर्टिकल 39 है। क्या कह रहा है ये? यदि स्टेट शैल, राज्य करेगा, क्या करेगा? इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मेन एंड वीमेन एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड and that citizens are not forced by economic necessity to enter vocations unsuited to their age or strength, that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment. मतलब क्या है कि ये डायरेक्टली बच्चों से रिलेटेड है कि आप उनको मतलब फ्रीडम देंगे, डिग्निटी देंगे, वो हेल्दी मैनर में डेवलप कर सकें, ऐसी फैसिलिटी देंगे, उनको आप बचाएंगे, उनको सुरक्षित रखेंगे हर प्रकार के शोषण से, सब कुछ ये लिखा हुआ है आर्टिकल 39 में। स्टेट को डायरेक्ट किया गया है कि आप इस तरीके से काम कीजिए। फिर आर्टिकल 243G विद शेड्यूल 11 कहता है कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ चाइल्ड केयर, मतलब आपको चाइल्ड केयर के लिए सब काम करने हैं। आर्टिकल 45, देखिए यही आर्टिकल 45 था जब ये 86वां संशोधन हुआ, तो ये इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं इसी को 21A बना दिया गया। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। ये कहा गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स था पहले, लेकिन नहीं मान रहे थे राज्य, इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट बनाना पड़ा कि राज्य ये प्रयास करेगा कि जब तक बच्चे 6 वर्ष तक के हो जाएं तब तक उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन दी जाए। फिर 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस आर्टिकल एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। आप कह सकते हैं कि 86वें संशोधन के बारे में थोड़ा सा इसको बदल दिया गया और इसको 21A बना दिया है फंडामेंटल राइट। और आर्टिकल 51A गार्जियंस के लिए है, कह रहा है कि हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस मे बी वार्ड बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 14 ईयर्स। यानी कि अगर आपका
आपका 6 से 14 वर्ष तक का कोई बच्चा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके शिक्षा के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल में आपका फंडामेंटल राइट में 14 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, उधर 23-24 हो गया, 29-30 हो गए ये सारे। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आपका सबसे इंपॉर्टेंट 39 है, फिर 243 है, फिर 45 है, फिर 51 AK। और लेजिस्लेशन भी बहुत सारे बनाए गए हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं, नाम ही याद कर लीजिए, बहुत है, बहुत मैटर है इस पे। द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 में बना, फिर द चाइल्ड मैरिज रीस्ट्रेंट एक्ट मतलब बाल विवाह रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया 1929 में, फिर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में बना है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में बना है, यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट 1956 में, यानी कि कोई ऐसा चीज आप पब्लिश मत कीजिए जो उनके लिए हार्मफुल हो, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन मत दीजिए उनको, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट यानी कि आपको पता होगा कि जो अपराधी बाल अपराधी होते हैं उनको सजा मतलब उस तरीके से नहीं दी जाती, उनको थोड़ा कंसेशन दिया जाता है कि 21 वर्ष से कम है तो उनको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, बहुत सारे इसके क्लॉज है। फिर द ऑर्फेनेजेस एंड अदर चैरिटेबल होम्स एक्ट 1960 में बना है, अनाथालय से संबंधित, अप्रेंटिस एक्ट 1961 में बना है, चाइल्ड लेबर का प्रोहिबिशन और रेगुलेशन 1986 का है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 में बना है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 2006, देखिए 1906 में बना, फिर 2006 में बना, मतलब ये रिवाइज होता रहता है। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012 में आया है, जुवेनाइल जस्टिस देखिए 2000 में आया है, 2021 में इस पर फिर अमेंडमेंट हो गया तो 2021 का आ गया, एडॉप्शन रेगुलेशंस भी आया है हाल फिलहाल 2022 में, मतलब इतने अधिनियम कानून संविधान संशोधन ये सब होते रहते हैं भारतवर्ष में, यानी कि भारतवर्ष में बालकों का अधिकार सुरक्षित है। So in this way, I have completed 2 provisions, constitutional provisions and legislative provisions in with reference to rights of child in India. Okay, so I have completed this very topic and thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.